उत्तराखंड के जंगलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लालडांग और चिड़ियापुर क्षेत्र में 3 लेपर्ड की मौत के बाद वन महकमे ने संगठित अपराध की भावना को देखते हुए राज्य भर में कर्मियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं। जंगलों में सक्रिय गिरोह की मौजूदगी की संभावना से वन महकमे में हड़कंप मच गया है। मामला 3 लेपर्ड की मौत के बाद हुआ है, जिसमें अब वन विभाग ने प्रदेश भर में रेड अलर्ट का आदेश जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में 3 लेपर्ड की मौत की खबर आने के बाद वन महकमे में हड़कंप मच गया। खबर है कि इन तीनों ही लेपर्ड की मौत जहर खाके हुई है। फिलहाल लेपर्ड की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि लालडांग और चिड़ियापुर के करीब 7 किलोमीटर के क्षेत्र में इन तीनों ही लेपर्ड के शव बरामद हुए हैं। वन महकमा भी प्राथमिक दृष्टिता पर इन तीनों लेपर्ड की मौत की वजह जहर को ही मान रहा, लेकिन फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और लालडांग और चिड़ियापुर इस रीजन में हमारे 3 लेपर्ड की मृत्यु की सूचना आई है और ये पता लगाया जा रहा है कि इसका क्या कारण हो सकता है। कारण पे अभी हम नहीं पहुंचे हैं। कारण ये भी हो सकता है कोई पॉइजनिंग किसी कारकस की हुई हो जो उन्होंने खाया हो, क्योंकि ये सब 6-7 किलोमीटर के अंदर ही वारदात हुई है, तो इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। दूसरा जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे हम इसमें, अगर पॉइजन का मामला बनेगा तो कुछ उसका हिंट जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा उसका जो एनिमल का विसरा होता है वो तो उसका फॉरेंसिक जाँच में जाएगा, उससे पता लगेगा। तो अभी फिलहाल तो हमने चीफ गढ़वाल से कहा है कि रेड अलर्ट जारी करिए कि कहीं कोई ऑर्गेनाइज क्राइम ना हो रहा हो। बाकी अगर ये मामला पॉइजन का निकलता है तो फिर ये इन्वेस्टिगेट होगा मामला कि भाई कहाँ से पॉइजन आया, किसने पॉइजन दिया। तो पूरी अभी ये बहुत जल्दी है कहना कि इसका क्या कारण है, उसको पता करा। तो रिपोर्ट सही थी और इस दौरान जब उसकी जांच पड़ताल हो रही थी तो उस दौरान और जानकारी आई कि जो निकटवर्ती क्षेत्र है, ये जो दो अन्य प्रभाग हैं वहाँ पर भी ऐसे डेड बॉडी मिली है, उनको भी देखा गया है। उसमें सब में पूरे इलाके में कॉम्बिंग करा के अभी उसमें और खोजबीन की जा रही है। प्राइमर फेसी ये पॉइजनिंग का केस लग रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर ही की जा सकेगी, लेकिन जिस तरह से ये घटना का दिख रहा है तो ये प्रॉब्ली पॉइजनिंग का केस है। अब इसको ही आधार के इसके आधार पर भी यहाँ पर सारे इलाके में खोजबीन और सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। इसके अलावा जो फॉरेंसिक एविडेंसेस वगैरह हैं उनको भी तलाशा जा रहा है। जो 3 हैं इनकी अभी उम्र लगभग 7-8 साल के आसपास में एक की दिख रही है, दूसरी करीब 4-5 वर्ष के बीच में दिख रही है, तीसरे का मुझे अभी जानकारी पूरी नहीं है। और तीनों एक ही क्षेत्र के आसपास के हैं, ये लगभग 1 किलोमीटर रेडियस में ही सारे घटना की। लाइव उत्तराखंड के लिए देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट।